पलास से बावनपुरी मार्ग के अंतर्गत आने वाले कई गांवों की मुख्य सड़क मार्ग जोड़ने के लिए पलास चौराहा से बावनपुरी तक नई सड़क का निर्माण चल रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 11 करोड़ की लागत से पलास से बावनपुरी तक नई सड़क का निर्माण कार्य बीते कुछ माह से चल रहा है। अभी कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ था कि सड़क निर्माण के दौरान 3 पुलियाओं का निर्माण भी किया गया, जिसके अंतर्गत पलास चौराहा होटल के पीछे एक पुलिया को 1 माह पूर्व ही चौड़ा किया गया, वहीं 2 दिन पूर्व ही तराफे खोले गए थे। पुलिया निर्माण में ठेकेदारों द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके कारण पुलिया पहली रिमझिम बारिश भी नहीं झेल पाई और सोमवार सुबह 12 बजे हुई बारिश में शाम 5 बजे घटिया निर्माण की पुलिया की पोल खुलकर रख दी। करीब 5 बजे पुलिया पर नीचे का मटेरियल खसकने से पुलिया धस गई, जिसको लेकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। धर्मपुर से सुनील वास्केल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सन्नी जाट। इस रोड पे क्या कुछ हादसा हुआ है? इस रोड पे ये पलास से बावनपुरी प्रधानमंत्री का रोड है जी, जो कुछ ही समय पहले अभी निर्माण हुआ था जी। ठेकेदार के घटिया सामग्री द्वारा ये जो पुल बनाया गया था जी, ये नहर के ऊपर जी, पलास से बावनपुरी जो मांडव रोड है, ये मांडव रोड है जहाँ कई टूरिस्ट लोगों का निकलना आवागमन चलता, हजारों लोग पब्लिक निकलती है। ये लगभग कितने का रोड है, इसका कुछ नॉलेज है आपको? ये तो साहब करोड़ों रुपए के अंतर्गत है, इसका जी तो पुरानी है। और ये रोड कहाँ से कहाँ तक का जाता है पूरा रोड? ये रोड पलास से बावनपुरी होता हुआ मांडव, जो पर्यटन विभाग पर्यटन की एक नगरी है जी, तो कई लोग यहाँ से मांडव की ओर यात्रा करते हैं, हजारों लोग निकलते हैं। इसमें बसें निकलती है, फोर व्हीलर निकलती है, बाइकें निकलती है। जब ये पुलिया धसी तो भगवान का शुक्र है कि कोई भी वाहन इस पुलिया पे नहीं था। ये भारी वाहन की वजह से धसी या ऐसे ऑटोमेटिक धस गई? ये अपने आप ही धसी है। इसको देखा जाए तो भ्रष्टाचार का एक मुख्य मार्ग जो दिख रहा है, विकास के नाम पे जो ठेकेदार पलेथन लगा रहे हैं जी, विकास के नाम पे जो चूना लगा रहे हैं, वो आपके सामने जो धार नगरी में, ये धार जिला है और धर्मपुरी तहसील के अंदर धानी ग्राम धानी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।